जाने रहे वही आएंगे। हाय हेलो हाय सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली जी टू यू टू सबको हैप्पी दिवाली एंड फाइनली आज क्लोजिंग सेरेमनी है जी तो क्या फील करते हैं आप लोग क्या टेक होगा आज के दिन वी क्लोजिंग सेरेमनी है मामी की तो खुश भी है कि सब अच्छा गया इतनी अच्छी फिल्में दिखाई हमने और लोगों का इतना प्यार मिला बहुत लोग आकर देखे और काफ़ी हमें लगता है इस साल हम सफल रहे पर दुख भी होता है इतना काम करके जब कुछ ख़त्म हो जाता है तो छोड़ने का जी नहीं करता उसको तो दोनों एक साथ हाँ दोनों एक साथ इस साल हमारे हमने अभी फाइनल वो काउंट किया कि कितने लोग आए हैं तो 15,110 लोग आए मतलब देख के इतनी खुशी हुई कि वाह मतलब बहुत पिछले साल 10,000 से थोड़ा सा ऊपर आए थे तो एक साल में हमने 5,000 और ज़्यादा डेलीगेट्स हमारे फेस्टिवल में आए तो बहुत खुशी हो रही है थोड़ा सा ये भी मन कर रहा है कि 2 मिनट थोड़ा स्टॉप कर लें थोड़ा रेस्ट कर लें थोड़ी नींद हो जाए और उसके बाद हमारी 20th एनिवर्सरी अगले साल है तो उस पर काम शुरू करें देखिए एक जूरी होती है पहले तो सिलेक्शन कमेटी होता है जो जो कि चुनते हैं फिल्में जो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए चुने जा सकते हैं हर फिल्म एलिजिबल नहीं है कुछ फिल्में ऐसे हैं जिनकी सब्जेक्ट मैटर जेंडर को अलग तरह से देखती है तो उन फिल्मों को चुना जाता है अभी उन फिल्मों में इस साल 4 ही थे जो एलिजिबल थे आप देखेंगे तो हमारे कंपटीशन कैटेगरी में भी हमारे हर साल फिक्स नहीं रहता है कि हमारी हर साल 15 होंगी या 10 होंगे तो हमारा बेंचमार्क क्वालिटी होता है एक साल बहुत ही अच्छी फिल्में बनती हैं 10 हो सकते हैं कुछ साल में सिर्फ 4 तो इस साल 4 ही थे हमने देखा कि सीक्रेट सुपरस्टार की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि स्क्रीनिंग पे आज भी है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है आपको क्या कुछ अनुपमा जी आपसे भी जानना चाहेंगे मैंने अभी देखी नहीं है अभी टाइम ही नहीं मिला हाँ इनको वक्त अब मैं कल देखूंगी क्या आपका कमेंट आ रहा है इंडस्ट्री से क्योंकि हमने देखा सचिन तेंदुलकर ने देखी और भी बहुत सारे लोगों ने देखी तो अगर आप बताना चाहेंगे अब तक तो बहुत रिएक्शंस अच्छे आ रहे हैं बस फिंगर्स आर क्रॉस्ड अभी दर्शकों का वेट है क्योंकि हम फिल्म ऑडियंस के लिए बनाते हैं इंडस्ट्री हमारी फैमिली हम मानते हैं और फैमिली को अच्छी लगती है तो खुशी तो होती है क्योंकि फैमिली को लगनी चाहिए अच्छी लेकिन अब देखते हैं ऑडियंस को कैसे लगा विनोद को बहुत अच्छी लगी किसी ने कहा कि शक्ति कुमार ने काफी इमोशनल किया आप अभी मामी की क्वेश्चंस पूछिए ओके थैंक यू हाँ हमारा हर साल वी हैव अ दिवाली पार्टी एवरी ईयर इट्स बिकम अ बिट ऑफ अ ट्रेडिशन And so this year we have almost a double celebration because we have Secret Superstar releasing tomorrow. Diwali पे हम कुछ ज़्यादा ही celebrate करना चाहेंगे इस साल क्योंकि पूरी team रहेगी हमारे साथ हाँ तो कल हमारे यहाँ party होगी
रिजल्ट आपका? हम तो एक्चुअली बहुत बिजी थे. जो किताब सिनेमा के ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ किताब इस साल की, उसको ये जूरी जो है वो पुरस्कृत करना चाह रहे थे, तो इसलिए हम उस जूरी डिलीबरेशन में ज़्यादा थे. हमने बहुत ज़्यादा मामी का रुख नहीं किया, लेकिन बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि बहुत अच्छी किताबें हैं फिल्मों पे, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी, और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन भी होता रहा. और ऑल इन ऑल मामी हैज़ बीन वंडरफुल. और मैं चाहती हूँ अनुपमा और किरण को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये पूरा फेस्टिवल, और ये दिखाता है कि नारी शक्ति क्या है. एनी फिल्म इन रीसेंट टाइम्स? नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम रियली सॉरी, आई हैव नॉट बीन अ वेरी यू नो फिल्म व्यूइंग फॉर द लास्ट डेज. फूड सिक्योरिटी, हंगर, मैल न्यूट्रिशन. आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मेनी वुमेन एंड मेन हैव बीन अब्यूज्ड एज चिल्ड्रन, एज टीनेजर्स. And I think it's an important thing to think about, talking about these things more fearlessly. And Me Too is part of that, I think. But do you think Bollywood too will now take a step forward and start naming those men who have probably been abused? I don't know about in retrospect, because it's very difficult. It's a very murky sort of situation to go into it retrospectively. But I'm sure that if there is a situation that arises now, I'm sure more women and men will come out openly about it. And I think that's the, you know, advantage of having a campaign of such a, you know, such a kind. Finally, we are missing you on silver screen. When do we see you back again? Anything in the pipeline? It all depends on other people, you know, offering me roles. So it's not something I can do. But yeah, I'd love to do roles. Right now I'm busy with my son's 10th standard exams. After March, the mom will take a back seat and perhaps the actor will take the front seat. Lastly, family kaise Diwali mana rahe aap? Ashu ji, dekhiye main idhar hoon. Hamare saath Ashu ji baby sit kar rahe hain, to ye sabse acha tarika hai Diwali manane ka. So we are all together tomorrow, so happy Diwali. Happy Diwali. Thank you, ma'am. अरे कॉर्डलेस थाना कहाँ है? अरे कॉर्डलेस थाना कहाँ है? अरे मामी के बारे में बात करो यार, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम दासदेव है. दासदेव फरवरी में रिलीज होगी. उसमें रेचा चड्ढा है, अदिति राव हैदरी है, राहुल भट्ट है, सौरभ शुक्ला है, एक देवदास. अभी तक आपने दास को देव को दास बनते हुए देखा है, अब आपको दास को देव बनते हुए देखिए, ऐसा कुछ है. लेकिन फिलहाल तो मामी की बात करते हैं ना. नहीं, बहुत अच्छी फिल्में थी. मुझे वो फिल्म मनोज की इन द शैडोज बहुत अच्छी लगी थी. अब बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में बहुत अच्छी हैं. शॉर्ट फिल्म्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा था. जो कान की फिल्म थी, जो कोरियन फिल्म थी, बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी थी. और हम तो फिल्में देखते रहते हैं, पर मुझे मुंबई फेस्टिवल के बारे में ये अच्छा लगता है कि ये इंडस्ट्री के बीच में है, तो जो इंडस्ट्री में यंगर लोग हैं उनको मौका मिलता है फिल्में देखने का, और हमारी फिल्मों में कुछ एक नज़रिया बदलेगा. एक अच्छी फिल्में देखेंगे, एक स्टैंडर्ड देखेंगे, एस्थेटिक्स देखेंगे, तो उससे
पूरे सिनेमा पे बम्बई के असर होगा कुछ ना कुछ। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो दिवाली कैसे मनाएगा जावेद साहब? क्या जाऊँगा अभी 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 जाऊँगा, ताश नहीं खेलता मैं, लेकिन कटा लूँ और कोई एक्टिंग कर रहा। मैंने तो अपनी बीवी नहीं देखी 7 दिन फिल्म और तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ मैंने क्या नहीं देखा। और इन्होंने भी हम आई थिंक हम लोग काम ही करते रहे। कोई फिल्म नहीं देखी क्योंकि हमारी खुद की फिल्म बन रही है। हाँ तो अगले साल जब हमारी फिल्म नहीं बन रही होगी तब सारी देखेंगे। पर मेरी बेटी ने इनका जरूर नहीं इनके बेटे ने भी भैया बेटे का बताओ। सो जो दोनों फिल्म स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रोज़ की चार पाँच फिल्म्स देखी और इस बार का फेस्टिवल उनको बहुत ही पसंद आया। दे लव इट। सो फ्लोरिडा प्रोजेक्ट देखी, आस्क दिस एक्सपर्ट्स देखी, वन सूटेबल गर्ल देखी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी उन्होंने और आके हमें रिपोर्ट देते हैं। अभी हम एडिट कर रहे हैं। तो इनकी लड़की ने देखी है और इनके लड़के ने देखी। आप भी बताइए ना क्या क्या देखा आपके बेटे की बात की। इनको नाम याद है, नाम याद है। क्या बताया उन्होंने देखा? नहीं मुझे लगता है कि इस किस्म के फेस्टिवल जब अच्छे स्केल पर होते हैं अच्छी फिल्में आती हैं ऐसे कंट्रीज से जो सिनेमा हम यूजली नहीं देख पाते वो एवरी बडिंग फिल्म मेकर के लिए स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा के बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। तो इतना है कि मैं इतना जानता हूँ कि एहसान वीर वो सुबह से निकल जाता है और कहता है आज मैंने 4 फिल्में देखी, आज मैंने 5 फिल्में देखी। और हिंदी सिनेमा और टिपिकल हॉलीवुड सिनेमा से हट के अलग किस्म का सिनेमा देखते इट्स गुड फॉर एनी फिल्म स्टूडेंट। और बडिंग फिल्म मेकर्स के इतने मुझे थैंक यू के मैसेजेज आए हैं बिकॉज सी द पॉइंट इज व्हेन दे आर सीइंग दिस वर्ल्ड सिनेमा तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन हो जाता है। आप नहीं तो खाली बॉलीवुड 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 और हट गए तो हॉलीवुड 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 लेकिन पूरी दुनिया है बियॉन्ड बॉलीवुड एंड हॉलीवुड विच इज़ वर्ल्ड सिनेमा विच इज़ व्हाट मामी ब्रिंग्स हियर। आई थिंक दे आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब। जेंडर इक्वालिटी इन सिनेमा
I think it's outstanding. I think that award is one of the awards I'm really looking forward to. And I think it's time that we spoke about gender equality, not only in cinema, in real life. So I'm really looking forward to that. थोड़ा ऊंचा बोलिए, किसी को सुनाई नहीं दे। नहीं, उसके बारे में तो उन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट भेजेंगे पढ़ने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि नए लोगों की स्क्रिप्टें पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रिप्ट फाउंडेशन होता है हर फिल्म का। तो हम तो हमेशा खोज में रहते हैं कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, कोई तो अच्छे राइटर्स मिल जाए जो अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हम लोग काम खुद बैठ के कितना लिख सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, टू रीड दो स्क्रिप्ट फ्रॉम पीपल हू आर न्यू इन योर ट्राइंग हार्ड। एक फिल्म नहीं होती, एक कई फिल्में होती हैं जो आपको इंस्पायर करती है, सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट करती है। कुछ फिल्म मेकर्स होते हैं, लाइक मेरे लिए ऋषिकेश मुखर्जी बहुत सा इंस्पायरिंग फिल्म मेकर फॉर मी, काइंड ऑफ सिनेमा ही मेड। हर किसी के लिए अलग होता है, बट नहीं, मेरा तो बहुत बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम गुरुदत्त, बिमल रॉय, के आसिफ, वी शांताराम, अर्ली राज कपूर, हिंदुस्तान से अदरवाइज यू नो फ्रांसवा त्रूफो, जोंगलो गोडार्ड, फ्रांसिस कोपला, आकिरा कुरुसावा, माइकल एंजेलो एंथोन, बहुत हैं भैया, आप इनसे पूछो। चार्ली चैपलिन, हाँ चैपलिन है। सच्ची बात बताऊँ तो मैंने भी यही पेपर में ही पढ़ा है। आप लोगों ने नहीं चाहता है, मुझे सुबह पता लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। एवरी फिल्म कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस, बट मुझे एडिटिंग में मजा आता है। सो राइट नाउ आई एम एडिटिंग दैट, थरोली एंजॉयिंग इट, क्योंकि उस वक्त सब आपका काम हो चुका होता है, आपकी शूटिंग हो चुकी होती है, आपकी एडिटिंग आप देख रहे हो, तो इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। ओके, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Before that we are in Toronto International Film Festival and San Sebastian, so you always feel great when you are like home. And other films I saw Loveless, Sweet Country, and then Calling by Your Name, I think Songs of Scorpion, that's it. Thank you. हाँ जी बोलिए। मैं था नहीं मामी, मैं आज ही आया हूँ मेरी फिल्म ओमेटा की स्क्रीनिंग के लिए। आज मैं बुसान में था, दूसरे फिल्म फेस्टिवल में था कोरिया में, आज सवेरे ही आया हूँ। नहीं अच्छा, मतलब एक तो मामी जैसे कोई घर लौट कर आया है ना वैसा लगता है।
censor will trouble you when the film is up for a commercial release? What is your take on this? Let's see. We'll cross that bridge when we come to it. मतलब दिक्कत होगी. मेरा मानना है कि वो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझे वो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट. हमने कोई भी चीज़ सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं की है. If I thought I would not have put it, no. अगर मुझे लगता कि वो कंटेंशन होता तो मैं रखता ही नहीं. नहीं, मैं सेंसर की तरफ से पूछ रहा हूँ. सेंसर का देखिए कोई भरोसा नहीं है. तो वो उनके बारे में सोच के आप फिल्म नहीं बना सकते हो. नो, आई एम हियर फॉर मामी. आई दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस दिस. You know, life, there's much more in life. You know, don't waste your time on these old things. And sir, is it special when your friend is appreciated? I'm always, Mami has always been wonderful to us. You know, right from Shahid, then to Aligarh, and now Ometa. I mean, it's overwhelming always to be at Mami, and I mean, what a wonderful audience this time. You know, I was a bit sad that there were so many people who could not watch the film, and this was a chance to see the uncensored film. So, but yes, it was still very overwhelming. I was very moved. Well, the film that inspired me to become a filmmaker was seen at a film festival in Bombay only in 1994, Blue by Krzysztof Kieślowski. मैं मतलब क्रैकर्स से बहुत पहले से खिलाफ हूँ. मतलब दिवाली तो रोज मनाता हूँ. Happy Diwali. Thank you. Thank you, Sanjay. Bye. Thank you. This time I couldn't because I'm prepping for a film. So I couldn't come and watch much of the films here this time. Sir, so any film in recent times that really touched you from the world of Hindi? Oh, film. Vikram Vedha. What are you busy with? Prepping for a feature in November, so which is what is taking me. Probably the producers would be better to kind of talk about it. We will ask them, but we want to hear it from you. Sorry. Yeah. We are extremely fortunate and humbled to be a part of this year and to watch all these films. And to actually talk about it, debate about it, think about them. And thank you, Oxfam, for giving this most pertinent issue a proper platform. I mean, this time there were just four films, hoping that there will be many more in the coming years. But then this is like a great platform for even these four films to reach out and to create a huge debate. So. Both of them are like, they're so good in their work. It's like an honor and privilege to have them judge those movies. And when they decide something, I think it lends a lot of credibility to the entire thing. What is the status of Mard Ko Dard Nahi Hota? Yeah, that is what I'm probably start. So you're launching Bhagyashree's son, right? No, I'm not launching anyone. He's an actor and he's a part of the film. We're not launching anyone. So he's in the lead role. I mean, it's his debut film, yeah. How do you see him as an actor? What is your I love him as an actor, which is why he's there in the film. No. More about him. What is the style? What is his technique? I think it's a little too early to talk about it. Probably, you know, the proper PR machinery. Because I think they don't trust us with blurting out things and mess it up for PR. That's why you don't want No, but when the film's out there to release... Sorry. I don't know. The producers will. So, thanks. But why Abhimanyu? Because I love him. And I think he's a great actor. Yeah.
I don't know, yeah. I'm not a really a launch kind of a guy to go to. So I'm just like any other regular director. So I don't think I kind of go through that pressure. Neither have I given 100 crore rates, nor have I proven myself launching people or making careers and all that. I'm yet to make my own career, so I don't think I go through all those pressures. I'll start shoot in the next month. Sir, who is opposite coming? I think the producers will be the right people to like come out of all this. Thank you. The producers will. अरे छोटी मोटी फिल्म है यार उन लोग बताएंगे अच्छा होगा. Unfortunately, I've not been able to see any movies because I was traveling. I've just got back and made it in time for the closing. But I'm aware of the programming, and I think it's a very, very big achievement to have so many different programming categories. And I think that Mami has now become the festival that India can be proud of. So I think that's a very, very big achievement. Many people on social media felt that perhaps that should have been India's official entry to the Oscars. What is your take, sir? Don't be diplomatic. No. I believe in the jury. Because I feel that a jury is there's a collective force, people who come together and in a very focused way watch an X number of films across a week. And they make the value additions and the value judgments. So I think I really believe in the jury. And I always like to go with the chosen one. Okay. I can't share anything yet because I'm still working on my script. But there'll be some news soon. Oh, with Ritik? Oh, I would love to do. Yeah, of course I would love to. But though I've not yet worked on the script for him. Thank you. You know, ask me this question after a month and I'll have lots of information. Oh, that's a difficult choice to make, you know, because there are no one single film inspires you in that way. It's either a collective body of work of a filmmaker, or it's several films from different genres that really inspire. So for me, it's a collective force. Thank you. Yeah, here's wishing everyone watching at home a very, very happy Diwali. It's a great year, despite the demonetization, I hope. So enjoy, have a great time. Cinema as a medium is so strong a medium. We have so far not been able to harness gender equality in movies. I think the award will give more inspiration, freedom for more filmmakers to think on these topics. Because I think whether it's Marathi cinema or even Hindi cinema, we are now trying different genres which was not happening in the past. So I think it's a welcome addition. Thank you so much. Madam, after sir, can you see the please,
Thank you, that's so sweet. Who are you wearing tonight? Anamika, it's Diwali. I have a Diwali party to go to after. I'm wearing Anamika. How are you celebrating Diwali this time? Actually, you know, we're having a small party in the house tomorrow, and we'll have a Lakshmi Puja. We're not giving any Diwali gifts or anything because my grandmother passed away this year. But my mom said that she had such an amazing life that it's okay for us to celebrate. So we're having a party for the young people in Bollywood. मेरे हिसाब से एक्चुअली वो आर्टिकल जो है एक औरत ने लिखा था और ये बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है कि जब द विमेन जब हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे हम दिखाना चाहते हैं कि जो विमेन है जो लड़कियां हैं वो एक साथ काम कर सकती हैं औरतें काम कर सकती हैं एक साथ और ये जो मिसकंसेप्शन है लड़कियों के बारे में जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि लड़कियाँ ऐसे काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ दी कांट गेट अलॉन्ग वो पिच करते रहते हैं ये एकदम अनट्रू था इतना फैब्रिकेटेड आर्टिकल था एक्चुअली आई वॉज वेरी हर्ट यूजली आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली टू द मीडिया आई नेवर लुक एट देम एज एनिमी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक आई वॉज अंडर अटैक फॉर समथिंग दैट आई डिडंट डू एंड आई वुड नेवर यूजली रिएक्ट टू समथिंग लाइक दैट बिकॉज इफ समथिंग इज ट्रू माई पब्लिसिस्ट विल नेवर कॉल अप एंड से रिट्रैक्ट अ स्टेटमेंट और दिस इज नॉट टेक दिस आउट इफ इट्स ट्रू देन इट्स ट्रू whether it's a relationship, whether it's something that I might have done, but when it's completely untrue and fabricated, it's a malicious gossip. And the shocking part was it was written by a woman, and I know exactly who it was. And it came as a blind item, and it was very, very hurtful. Hanji? No, obviously not. Also, kair logon se kuch nahi hota, aise kair aadmi hai. I'm not allowed to speak about it. Vinod uncle spoke about it. And so I will keep my end of the bargain and not talk about it. But obviously, it's been a fantastic year for me with my films. Working with Vinod uncle's production for Raju sir's film, then doing Padman with Balki, and just finished Veerudai Wedding. And my next project again is with Vinod uncle's production. I'm very, very excited. बिकॉज ये बहुत बड़ी फिल्म है इंडिया के लिए और इंडिया शाइनिंग के ऊपर है सोल्जर्स के ऊपर है साइंटिस्ट के ऊपर है तो
a very important film for the country. मैंने ओमेडा देखी आज. आज ओमेडा की स्क्रीनिंग थी. इंडिया का यू नो पहली बार हिंदुस्तान में फिल्म दिखाई गई है मामी फिल्म फेस्टिवल के जरिए. सो आई सॉ ओमेडा बट अदरवाइज आई वाज शूटिंग फॉर फनी कार सो आई डिडंट गेट एनी टाइम. ओ यस इट वाज ओवरवेलमिंग. इट वाज ओवरवेलमिंग. इट वाज नॉट एन ईजी थिंग टू मेक बट नाउ आई एम हैप्पी. आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल सॉ इट एज इट इज विदाउट एनी कट्स. No, yeah, no. Let's see where we cross that bridge when it comes. Yeah. Let's see. आपकी शादी की डेट नजदीक आ गई तो क्या क्या तैयारियां की आपने शादी की? खाने का ऑर्डर तो दे दिया है तो हाँ वेज नॉन वेज सब डिसाइड हो गया है. उसके अलावा अभी बस वही मंडप वंडप तय करना है वो सब चल रहा है उसकी. बस 10 नवंबर को शादी है. जिटर्स कोल्ड फीट. And losing weight is not easy. I think gaining weight is slightly easier because you just have to hog, just have to eat. But losing weight is quite a task. So yeah, it was a lot of hard work. I had to just sacrifice food, you know, almost like not eating, almost doing trap too in real. What was the one thing which motivated you? My work. I had to look in a certain way for Panne Khan, so I can't afford to. No, there's the film, the script. You know, I can't afford to look like how I looked in Ghost. बहुत जल्दी टीम जाने वाली है वहाँ पर और एक स्ट्रैटेजी है हमारी. बहुत अच्छे से कुछ प्लान किया गया है एंड वी आर वेरी होपफुल. आप सबका सपोर्ट चाहिए. बहुत ब्लेसिंग चाहिए. व्हिच वन ओमेटा? वी आर प्लानिंग नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर सो लेट्स सी. लेट्स सी. बोथ हैव देयर ओन चैलेंजेस यार. आई वोंट से समथिंग इज इजियर. जस्ट दैट यू नो अ फिल्म लाइक बरेली डजंट गिव यू डोंट गेट अ मेंटल टोल यू नो व्हाइल डूइंग बरेली. बट ओमेटा फिल्म लाइक ओमेटा और ट्रैप sometimes it can be a toll on your mental health. Diwali ka kya kuch plan hai aapke? Diwali to shoot hai. Unme Panne Khan ka shoot chal raha hai wo kar rahe hain. Uske alawa I'm gonna celebrate. I'm gonna do my you know main har saal ek puja hoti hai jo main karta hu of course jo bachpan se karte aa rahe hain family ke saath. Oh yes. Hi, I'm Rajkumar Rao and wish you all a very happy and safe Diwali. Thank you. Shubh 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 Diwali. Any more Hindi words that you can perhaps? I know Shukriya. I know Om Namah Shivaya. Who taught you all this? I go to an ashram. It was really incredible. It's my first time being on the jury. I was very lucky to be on the jury with John Madden, who's an incredible director. He directed Shakespeare in Love, Best Exotic Marigold Hotel, Raj, who's a curator, head of MoMA, and Konkana, who's a local actress and producer. And the films were just
so inspiring. There were equal number of female filmmakers and male filmmakers, so I think it's a great time to be, you know, empowering women in film. So it was really great. Any Indian actors that would like to collaborate? Amir Khan. Amir Khan, why? I love Dangal and I love Three Idiots. Yes. Thank you. बट आई गॉट हेल्ड अप एट वर्क तो मैं पहुँच नहीं पाई, थोड़ा सा लेट हो गई, स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी तो मैं इस बार इसका मैं कुछ कर नहीं पाई. लड़की वाले की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत सही चल रही है, आप आइए मैदान में. लड़के वाले तो तैयार है एकदम. कोई तैयार नहीं है कहने की बात है, राज कभी तैयार नहीं होता. इनका क्या है, बस शेरवानी पहननी है, कुछ भी करके आ जाना है. सजना तो हमें पड़ता है. अरे दे हैव टू लुक लाइक जूही चावला मैम ना. सी पिंक पिंक में तो एकदम जूही चावला लगती है वैसे भी एकदम. आप कौन सा डांस करने वाली हो? मैं सत्तू डांस करने वाली हूँ सत्तू के साथ. हमारी मूवी में एक स्पेशल एक स्टेप है जो सत्तू डांस बोलते हैं हम उसे, और ये इनका क्या बोलते हैं उसको, पेट स्टेप, फेवरेट स्टेप, सिग्नेचर स्टेप. नाइस, द हुक वन. और क्या होने वाला 10 नवंबर को? शादी हिंदुस्तान में शादी से बड़ा कोई फेस्टिवल होता नहीं है, और फिल्म आ रही है शादी पे जरूर आना. तो मतलब उम्मीद तो यही है कि सब लोग आएंगे शादी पे, और एक बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है हमने. एक एक एक, एक लव स्टोरी है, एक ड्रामा है, छोटे शहर की फिल्म है, दो प्यारे सत्तू और आरती के कैरेक्टर्स हैं. सो वी आर वेरी होपफुल, लेट्स सी नाउ. फिंगर्स क्रॉस्ड. No, it just, it's all there in the script, you know, I don't have to do anything else. If a character has a particular demand, then I have to look like my character, I have to transform myself as per the character. I don't want to force anything because I have to look different, so I have to look different. Not for the heck of it. But if a character's demand, you have to gain weight, I'll gain weight. I have to lose weight, I'll lose weight. It's a big shock to go to the gym and eat food. So this is 6 months old, 6 months old. Also, you're on the way of choosing scripts. I think, no, nothing, I just listen to my heart, yeah. I read so many scripts. No, it's very impulsive. I read all my scripts myself. And what I feel excited about as an actor, I just want to do it. I don't want to think too much that who is making it, what will happen to that film, because you don't know what will happen. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Varvadu. हाय मैं हूँ राजकुमार राव सत्तू. हाय मैं हूँ कृति खरबंदा और आरती. और आप सबको हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली. वेरी हैप्पी दिवाली. और 10 तारीख को हमारी शादी है. या हैप्पी दिवाली टू विश एंड एवरीवन. हैप्पी दिवाली.
सॉरी यार, कल मुझे क्यू एन ए करने जाना था सिटी मॉल, तो मैं भागी वहाँ से. सॉरी. हाँ, आई नो, आई एम रियली सॉरी. बहुत हड़बड़ी में थी. मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी. मेरी फिल्म दो बार देखी, द हंगरी और रालंग रोड देखा, ऑन बॉडी एंड सोल देखा जो बहुत अच्छा लगा, द अदर साइड ऑफ होप आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, अप डाउन डाउन एंड साइडवेज, सेंटोर, सच अ बैड मेमोरी, अजी, या आई सॉ द ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स, लॉट्स ऑफ फिल्म्स. या Sorry, I'll just take this. I'm wearing Rahul Mishra and the lovely Shrija Rajgopal has styled me. Nikki Rajani and Reena have done my hair and makeup. And yeah, I have a lovely team who puts everything together very well. आ रही है. उसके बारे में बात करते हैं. I have another British film that will be out soon. You know, I think Mami and Oxfam have sort of gotten together and I think addressing gender equality, which should be a given in our society, but it's not, unfortunately. We are far from being equals, and the fact that there is some light being shown on the fact that there is a disparity between not only genders but also all kinds of class, creed, religion, caste, and I'm quite chuffed that The Hungry has been, it's a really good film. The response has been really amazing at the festival, all the screenings, houseful shows, people have loved it, and the fact that it's been nominated obviously just makes it a little like nicer. But of course I do, and I wrote it myself, and you know, it's actually somebody, one of my friends wrote, it's heartwarming and heartbreaking at the same time, that almost everyone, and it's true, right, everyone, every single woman and even a lot of men go through it, and the fact that we don't talk about it and it's only behind closed doors is needs to stop. You know, it needs to be addressed. And it needs to stop right now. Yeah, thank you. Thank you so much. Sanjay Garg, Raw Mango, one of my favorite designers, and also it's Diwali, and after this one is going to a Diwali party, so one is fully decked up. Well, I'll go to I'm excited to go to Shabana and Javed's
because they have a very nice Diwali party, and then I'll have something at home for my friends. Sorry? Yes. I don't want to comment so flippantly on something which is such a much bigger issue. I don't want to comment flippantly, you know. Well, no, I will say that, you know, the thing is that what is nice about it is, if it helps some people understand the magnitude of the problem, then that's good. If it helps other people to speak out or feel that they are not alone, then that's another wonderful thing. So there are nice things which can be achieved from this as well. It's a great show of solidarity. But we also have to think deeper about how are the other ways we can solve this problem. I'm so glad that there is an award for gender equality, because I think it's very necessary. It's an important time for this to happen. I'm so glad that there is an award. I wish we lived in a world where we didn't need things like this, but unfortunately the percentage of women in direction and other technical areas is so low that I feel that this kind of an award hopefully will incentivize more women and other people to give women those opportunities. I can't give now. I would like to wish everybody a happy Diwali. I think that we should work towards making this a joyful and inclusive festival, and try to respect our environment as well. Thank you. Thank you. Thank you.
हेलो अभी तक तो नहीं देखी, फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कल बच्चों के साथ, टेरेसा फाउंडेशन के बच्चों के साथ आई स्पेंड माई दिवाली एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट टू डू टुमारो, टुडे आई एम हियर। मुझे शुभ मंगल सावधान बहुत अच्छी लगी है और क्योंकि बहुत नया कंसेप्ट है विच आई रियली लाइक एंड ऑब्वियसली आई लाइक माई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी। थैंक यू सो मच। दिवाली का तोहफा मिला, हमारी फिल्म रांची डायरी इज ऑल्सो डन फेयरली वेल, बट द बेस्ट गिफ्ट डिड कम एज द चेयरमैन ऑफ FTII, बट दे से ना विद पोजिशन, पावर ऑफ पोजिशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो सो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट जॉब, इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम हैप्पी and I wish everybody a very happy Diwali. Mami is a great festival, it's coming to an end and bas aur aapko kuch puchna hai to main jawab deta hu. I didn't want to go there with the burden of being 33 years of cinema and things like that, etc, etc. I was a student there 39 years back. So it was wonderful to go there as students and take everybody by surprise, then everybody's defense is down. I walked from main gate, had dinner, had lunch with them and also conducted two classes. So the two classes I conducted, I did a master class, but today I'm here at the concluding session. You must be thinking, why do I keep coming with Sondarya and Satvik, because I remember 33 years back, Mahesh Bhatt used to take me every party, every occasion, and this is what I've learned from him, that when you have to carry the newcomers, you must give them a gentle push, not a push. So that's why I'm here. You know, a busy man has time for everything. It's ये टाइम निकालना होता है ना, अभी यहाँ भी तो आया हूँ ना, ओपनिंग में आया था, अभी आया हूँ, अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और ऐसे बिना, आई एम ए करंट एक्टर, आई एम नॉट एन एक्टर हु इज़ रिटायर्ड एंड नाउ इज़ गॉट अ जॉब, एक पोजीशन दी है, आई एम ए वेरी हैपनिंग एक्टर, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट टाइम एंड माई होल एक्सपीरियंस ऑफ बींग एन एक्टर, स्टेज एक्टर, थिएटर एक्टर, टीचर, it's going to add to what I will bring to FTII. Anupam sir, you are a very happening actor, there is no doubt about that. There is a but coming somewhere. A very happening biopic is also in the pipeline in the form of Dr. Manmohan Singh. How is that shaping up? I am under contract. I would love to speak about it, but I'm under a contract till they start shooting. I'm not supposed to talk about it, but I'm excited about it. Sir, ne kitna challenging rahega? Bahut challenging rahega. Aap Bhajpa se hain, wo Congress ke hain, to matlab सर एज एन एक्टर मैंने विलन का रोल किया है, मैंने अच्छे रोल भी किए हैं, तो मैंने कोई इंटरप्रिटेशन थोड़ा दी है। कौन से चैनल से हो मेरे दोस्त?
नहीं नहीं भास्कर अच्छे लोग हैं यार वहाँ पर ऐसे मतलब मेरी एक्टिंग को मतलब एक पार्टी पे मत डालो अच्छा मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है बहुत ही अच्छा एवरीबडी हैज़ गिवन ग्रेट रिस्पॉन्स एंड देवर लाइक कि मैं मेरा काम बहुत अच्छा है फिल्म बहुत जिस जिसने फिल्म देखी है उन सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है इन रिस्पेक्टिव ऑफ लोगों ने जो भी लिखा है सो आई थिंक एवरी उसके बारे में सोचना क्यों जो उन्होंने पूछा नहीं उसका जवाब देना ही क्यों है नहीं बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी आई एम ओवरवेल्म विद द रिस्पॉन्स तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम एक्साइटेड हाँ मैं बोल रहा हूँ जितना ने भी देखा है अभी आजकल इट्स वेरी इजी टू ट्रैक पीपल थ्रू फेसबुक तो मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं कि फिल्म उनको बहुत अच्छी लगी इट्स वेरी एंटरटेनिंग रिपीट ऑडियंस भी जा रहे हैं तो मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान आपका जीवन सफल करे आपको सुखी मिले सुख मिले शांति मिले आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप फलो फूलो दूधो नहाओ फूलो फलो विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंजॉय विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड किसी और का घर भी उजाला करो एक दिवाली में अच्छी बात बोली सीख रहा बच्चा सीख रहा है अभी यहाँ से और हार्ड वर्क करना है और आगे जाना है बस आई जस्ट कीप वर्किंग 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 हार्ड दैट्स ऑल या नीति जी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप तो अभी मैं बिगिनिंग ऑफ नवंबर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर माय साउथ फिल्म आई एम डूइंग अ तेलुगु फिल्म कॉल्ड सव्यसाची एंड इन जैन आई स्टार्ट शूटिंग फॉर माय हिंदी फिल्म जी इंस्टाग्राम पे भी काफी पॉपुलर है आप पिक्चर को पसंद और ट्रोलिंग भी कभी-कभी होती है तो उसके बारे में क्या सही रहता है आई थिंक ट्रोलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और जो लोग करते हैं उनके पेरेंट्स को दे शुड स्टॉप दोस किड्स और हूएवर ट्रोलिंग बिकॉज आई नो अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी एंड आई नो दैट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इट्स फाइन आई फील बैड फॉर देम बट इट्स क्योंकि हमने देखा कि मुन्ना माइकल आपने बहुत ही अच्छा डांस किया थैंक यू कोई इंडियन डांसर के ऊपर फिल्म करने आई विश आई रियली विश क्योंकि मैंने सीखा तो बैले है बट मेरा फेवरेट फॉर्म इज कथक सो आई रियली विश कि मुझे वैसा कोई रोल मिले या ऑफ एन इंडियन डांस बॉलीवुड की कोई ऐसी अदाकारा है जिनके आई थिंक जिनके गानों पर वुड बी कटरीना कैफ आई थिंक शी हैज़ द बेस्ट सॉन्ग शी हैज़ द बेस्ट बॉडी और उनके जो गाने चलते हैं तो ऑफकोर्स कटरीना कैफ सॉन्ग्स आर टू गुड ओके हैप्पी दिवाली एवरी वन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली डोंट बर्स्ट क्रैकर्स एंड बी स्ट्रेस फ्री दिस दिवाली या थैंक्स अरुण Thank you.
sir. It really feels great, and the off-stem, it's like, it's very important, it's like institution, right? So, because we are supporting women, we everyone knows like that, like women in like films, behind the camera, and like in acting also, there are less women working, and this kind of hours really boosted our morale and encourages us to make do good things, right? Mm-hmm. Actually, I'm so nervous. I'm not able to talk properly. I think it's like really critical that we. It is really important that we look and institutionalize such awards. If you look at any position of power, you find women missing there. If you were to look at Bollywood, you would have just 9% of them as female directors. Just 12% of them are, you know, female writers, and just 15% female producers. If you look at corporate boards, just 5% women on corporate boards. If you were to look at, you know, the Indian parliament, less than 11% of women there. So you find women missing. Their stories are not told, they are not heard. So, you know, there's a very shocking statistics which says that 40% of women face violence, and this is within their home, something that we are talking about. And what is really, really sad to see is 60% of both men and women feel that it's perfectly normal to beat a woman for very trivial reasons. And I think it is really important that we look at challenging gender norms, social norms which perpetuate violence against women, and that's the reason why we partnered with MAMI and we institutionalized this award which challenges social norms and talks about gender equality. And I think this film deserves that really well, because it's a story about a girl who's challenging those norms, fighting inequality and fighting disasters. Your first thought that came to your mind when you heard your name, somewhere I expected. So I was not that shocked, because the way we met this film, because and it is like a very like positive story, like the girl, I just told a very positive story about the girl, how, and the mother-daughter relationship, how they are always fighting, and growing up in poverty, and how growing up in poverty also this girl, like, she is always like aspiring and dreaming something big, to own a guitar, and always hanging out with the boys, and but she is capable of doing all kind of activities what boys are capable, like she considers herself as capable as boys. So there is a reason somewhere inside my heart I expected this, and I'm so happy. Yes. Great. Thank you. Thank you.
Yes. नहीं एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है मामी में दिस इज़ द ओनली डे आई कुड कम बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फिल्म आई एम लीविंग सून फॉर दैट तो आई एम हियर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी दैट्स इट यस आई हैव नॉट सीन एनी फिल्म्स बट आई विल मेक श्योर दैट आई फाइंड आउट व्हिच आर द टॉप कभी नहीं सर कभी नहीं दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट टाइम दिवाली तो ख़त्म हो गया ना कल है कल था एकता मैम के यहाँ पे भूषण सर के यहाँ पे फैमिली रहेगा कल मेन ऑन दिवाली विल बी विथ माय एंटायर फैमिली हे गाइस आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली प्ले सेफ बाय दैट आई मीन बस क्रैकर्स बट विथ सेफ्टी seen anything at the festival here today but of course anything that celebrates film kyunki hamara jo ye industry hai aur mami jo kya karta hai ki wo it celebrates what we do so anything that celebrates it's a hats off for that yeah. हाँ मेरी मेरी फिल्म के लिए कुछ काम के लिए गई सॉरी मैं क्या कहूँ आई थिंक अब वी स्पोकन सो मच अबाउट इट इज बेटर टू जस्ट लीव इट बिहाइंड अरे दुनिया में कितने सारी चीज़ चल रही है आप लोग को यू ऑल ओनली वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग ऑलवेज देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट दिवाली की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मैं वापस आई हूँ घर पे टू सेलिब्रेट इट विद माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली आई थिंक दिवाली मेरे लिए तो यू नो इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद पीपल यू लव और खाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी ज़िंदगी में और ख़ास तौर के दिवाली के टाइम पे So, looking forward to hit the gym 2-3 more times because I plan to eat a lot of sweets. And your attire and you Thank you. Who are you wearing tonight? I'm wearing Nachiket Barve. Yes, thank you. One last Diwali wish. Hi, this is Pooja Hegde and I want to wish all of you guys a very, very happy Diwali and a happy new year. Thank you, Pooja. Well, it's been a journey for a year. It's a film which everybody has worked very hard on, and it's a privilege to be Rajput King. I feel very proud as an Indian to play a king from a dynasty which
is known to be brave, fearless, respectful towards women. It's a legendary tale about amazing people who existed at that time, and I'm privileged to play Raja Rawal Ratan Singh. I'm privileged to play a king from the dynasty of Chittor, Mewar. It's difficult to say. I want people to see the film because, you know, I know the trailer's out and, you know, the looks are out and everybody's talking about it, but really, you have to see the film to understand what it's about and to truly experience it. You know, this has been going on for about a year, and very honestly, I'm sure you guys want us to talk about it, but I think the right thing to do at this point is to allow the right authorities to deal with it. I think the producers of the film, Mr. Sanjay Leela Bhansali, and everybody who is at the helm of affairs, need us right now to not really comment on it because we need to contain the situation. All I'll say is that we're ready to release on the 1st of December. I really feel it's a film that everybody will be proud of, every Indian will be proud of, because it celebrates India. It celebrates our culture, it celebrates what we stand for. It shows everybody who is from this country in the most amazing light. That is the endeavor of this film. And I hope that people, I feel that people will truly see that when they see the film. They should really see the film to decide. Thank you guys, thank you. Anything else? Any promotion plans that we have, because we are releasing posters one after the other. We love trailer and all, but we are waiting for an event to happen, a grand event as well. I'm also waiting, madam. I'm also waiting. That again is not up to me. How the film is promoted is not up to me. I mean, the trailer's out, the response has been phenomenal. And the trailer speaks for itself. This film will speak for itself. When people see the film on the 1st of December and in the days to come, whatever everybody has done, the energies that everybody has put in for a year will truly be experienced on screen. Beyond that, I don't know. I'm just happy being a part of the film. Shai, from whatever we have seen till date, be it your dialogues, you know, you are the only person who's had the dialogues in the first trailer. The voiceover. Your amazing body, you know, it shows the kind of hard work and passion that you have put into this role. I think you guys are being very kind because the trailer is, I mean, my character is very underplayed, so really you'll discover him in the film, so wait for the film. Picture abhi baki hai mere dost. But is that a deliberate ploy to underplay your don't know, those are not my choices. I mean, those are the choices of the filmmaker. I've just given it 200% and yeah, that's it. But happy about it because we were looking forward to more of Raja Ratan Singh. So wait not till 1st December. How do you, thank you, guys. Are you looking at your constant attempt of threatening, with one sort of protest, or recently the Rangoli which was being wiped out? Yeah. You know, we've always been hearing that films and artists are soft targets. This looks like a classic example in this time. Do you have a question? Because you've said everything that needed to be said on the topic. Shahid, what is your response to it? Like I said, right now the focus has to be to release the film. The focus has to be to allow people to experience something. And there is absolute and complete care, I feel, that is being taken to keep everybody's point of view in mind. And I hope people see the film. It's a great cinematic experience. And it's made in a way which will only show the people of this country in the nicest light. Happy Diwali. Any plans? Yeah, I want to spend Diwali with my family. It's my daughter's first Diwali. So I'll want to spend as much time as I can with her, doing all the normal things that any father, daughter, husband, wife do around Diwali. Shahid, one more question. Do you feel somewhere down the line, grey characters in our cinema are far more glamorized? Yeah, I'm coming from Haider in Urta, Punjab, so I've done my fair share of grey characters. And yes, grey characters are great. Noble characters are extremely good. No, I'm talking vis-a-vis your character versus Ranveer Singh's character. यार ये वर्सेस तुम ही लोग लगाए रखो एक साल से तुम लोगों ने वर्सेस वर्सेस लगाए रखा है जाके पिक्चर देख लो उसके बाद जो वर्सेस करना है कर लेना ओके ओके Thank you.
I'm Prerna with these diamonds. I know. Come, come, come that side.